शामिल हुई भगवाधारी, जिसको कहते थे राजस्थान की लेडी योगी, उसी ने पलट दी भाजपा की पूरी बाजी। अशोक गहलोत के पाले में हिंदुत्व चेहरा। भगवाधारियों के दम पर बीजेपी को अक्सर आपने चुनाव जीतते हुए देखा होगा, चाहे हम बात यूपी में भगवाधारी योगी की कर ले या मध्य प्रदेश में सीएम रह चुकी उमा भारती की। हर जगह पार्टी का कमल खिलाने में भगवाधारियों ने अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में भी पार्टी एक योगी को सीएम बनाने की तैयारी कर रही है, जिनका नाम बाबा बालकनाथ है। उन्हें अलवर की तिजारा सीट से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ की तो आपने खूब कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको राजस्थान की मशहूर लेडी योगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत तो बीजेपी से की थी लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जो योगी आदित्यनाथ को फॉलो तो करती है लेकिन बीजेपी के हट ने उन्हें पार्टी त्यागने पर मजबूर कर दिया। इनका नाम है साध्वी अनादि सरस्वती, जो उसूल बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जैसे रखती हैं, जिनके तन पर भगवा चोला है, जिनका मकसद सनातन धर्म का प्रचार है। लेकिन इन्हीं साध्वी अनादि सरस्वती ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया। ऐसे में सवाल कई है कि आखिर ये साध्वी कौन है जिन्हें राजस्थान का लेडी योगी कहा जाता है? आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? क्यों एक भगवाधारी कांग्रेस का दामन थामने के लिए मजबूर हो गई? ऐसे ही सवाल का जवाब आज हम आपको एक एक कर देने वाले हैं। कौन है साध्वी अनादि सरस्वती? कौन सी सीट से बीजेपी को देंगे चुनौती? योगी को गुरु मानने वाली साध्वी ने क्यों छोड़ दी पार्टी? साध्वी के कांग्रेस में जाने से कैसे बिगड़ेगा बीजेपी का खेल? साध्वी अनादि के कांग्रेस में जाने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस को एक महिला भगवाधारी का साथ मिल चुका है। चर्चा है कि साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को टक्कर दे सकती है। ये वही सीट है जो काफी लंबे वक्त से कांग्रेस के लिए गले का फांस बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के विधायक एक तरफा चुनाव जीतते आए हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस साध्वी अनादि को खड़ा कर सकती है। साध्वी अनादि सरस्वती का असली नाम ममता कलानी है। साध्वी अनादि सिंधी समाज से ताल्लुक रखती है। सिंधी समाज का अजमेर उत्तर सीट पर लंबे समय से गहरा प्रभाव रहा है। साल 1995 में अनादि सरस्वती साधना से जुड़ गई थी। इसके बाद अनादि ने साल 2008 में प्रेमानंद सरस्वती से महानिर्वाण अखाड़े की परंपरा अनुसार दीक्षा ली। साध्वी सरस्वती को पतंजलि योग दर्शन, भगवत गीता और वेदों का ज्ञान भी है। साध्वी अनादि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो करती है। धर्म प्रचारक के साथ साथ साध्वी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अपनी खूबसूरती के लिए साध्वी को बेस्ट फीमेल संत ऑफ द इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। साध्वी खुद को शहीद हेमू कलाना की वंशज बताती है। बताया जा रहा है कि साध्वी बीजेपी से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें अनदेखा कर दिया, जिसके बाद वो बागी हो गई और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया। हेमू कलानी का नाम आप देखते हैं कि जगह मूर्ति लगी हुई इनकी जोधपुर में, क्या नाम भी है और जगह पे है, उनके परिवार से ताल्लुक रखती हैं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया जो हालात देश के अंदर है बने हुए हैं। और साध्वी अनादि सरस्वती जी मानती है कि देश में प्रेम भाईचारा श्रद्धा होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। कोई थीम देश ही होगी तभी देश तरक्की करेगा। इनका मानना ही नहीं, हम सबका मानना है, घर में भी झगड़े होते हैं वो घर कभी ऊपर नहीं उठता है, वही बात लागू होती है गांव के लिए भी। गांव में झगड़े होंगे गांव पिछड़ जाएगा, वही बात लागू होती है प्रदेश के लिए, वही बात लागू होती है देश के लिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होते ही साध्वी ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिखावा नहीं करते और ना ही पाखंड करते हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पाखंड करती है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए वो बस दावे ही रहे। जमीनी स्तर पे यदि काम, जैसे गहलोत साहब ने बताया 3000 करोड़
मंदिरशालाएं, गौशालाएं, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बीमा की योजना, इतना दिमाग कौन लगाता है? कहने से कोई गौभक्त नहीं होता, गौ माता की सेवा करने वाला गौभक्त होता है। और मुझे एक सबसे बड़ी बात जो अट्रैक्ट की, जो आकर्षित की, वो ये है कि ये पाखंड नहीं करते और धर्म को पाखंड की आवश्यकता नहीं होती है। और जो पाखंड करता है, मान के चलिए वहां पे कहीं ना कहीं खोट है, वहां धर्म नहीं है। धर्म की पहचान कर्म से है और कर्म यदि श्रेष्ठ है तो मुझे लगता है कि वही कर्म हमारा परिचय है, वही हमारा सुरक्षा कवच है और काम बोलता है। और हम उस संस्कृति को मानते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कौ शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे हाथ में कर्म है, हम सारी चीजों की चिंता छोड़ के भगवान को स्मरण करके यदि अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान अपने आप हमारा साथ देगा। राजस्थान कांग्रेस में लेडी योगी की एंट्री से बीजेपी का खेल बिगड़ता है या फिर कांग्रेस का खेल बनता है, ये तो समय बताएगा। सब कुछ चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी क्या राय है कि राजस्थान की ये लेडी योगी कांग्रेस को जीत दिला पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।